Good morning. Take out your letter and words part two book and open page number 4545. तो students, इसके पहले हमने two letter word पढ़ा था, okay? कौन कौन से word पढ़े थे? UP up, US earth, BY by, MY my, okay? तो आज हम lesson number 4141 A words के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो यहाँ पर question है, LOO के look at the pictures and form three letter words. तो बच्चों यहाँ पर आपको जो pictures दिखाई दे रहे हैं उनका आपको देखना है और उनके जो words है वो आपको letter के द्वारा form करना है. Example के लिए book वालों ने ये first word आपको solve करके दिखाया है. देखो क्या है यहाँ पर, किसका picture है? A boy, लेकिन उसका चेहरा कैसा है? Sad, यानी दुखी. Okay, sad की spelling क्या होती है? S A D sad. तो उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे सब मिक्स लेटर्स थे तो उन्होंने S A D को पहले सर्कल किया, देन उसे इस तरह जॉइन किया है. ओके, ठीक ऐसा ही वर्क आपको करना है. तो स्टूडेंट्स ये क्या है बोलो? पैड, P फॉर पैड, ये हमने पढ़ा था. तो पैड का सबसे पहला लेटर कौन सा आता है? P. ये रहा P, तो P को सर्कल करो. देन A, A कहाँ पर है? ये रहा A, PAD, पैड. तो D कहाँ पर है? ये रहा लेटर D. ओके, PAD, पैड. तो आपको इसे इस तरह जॉइन करना है लाइन के द्वारा, PAD, पैड. ओके, नेक्स्ट पिक्चर किसका पिक्चर है? V फॉर वैन. तो बच्चों वैन की स्पेलिंग है VAN, वैन. ये रहा लेटर V, देन A कहाँ पर है? ये रहा A, और N कहाँ है? ये रहा. तो आपको इस तरह ज्वाइन करना, VAN, इस तरह स्टूडेंट्स आपको ये वर्ड लर्न करना है. देन विच पिक्चर इज दिस? टैप, T फॉर टैप, ये हमने पढ़ा था. T A P, टैप. टैप की स्पेलिंग होती है T A P, टैप. ये आपको याद रखनी है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. फॉर्म टू लेटर वर्ड्स यूजिंग पिक्चर्स, ओके, T A P, टैप. तो आपको इस तरह ज्वाइन करना है. देन लास्ट वन, विच पिक्चर इज दिस? कैप, तो C फॉर कैप होता है, ये तो आपको पता ही है. तो कैप की स्पेलिंग CAP, कैप. C को सर्कल करो. देन A कहाँ है? ये रहा A, एंड देन P, CAP, कैप, CAP, कैप. इस तरह आपको बोलना है वो लर्न करना है वर्ड. देन व्हाट इज दिस? फैन, F फॉर फैन. फैन की क्या स्पेलिंग है? FAN, फैन. तो देखो यहाँ पर F कहाँ है? ये रहा लेटर F, देन A, एंड देन लास्ट वन N. F, A, एंड देन N. FAN, फैन. ओके स्टूडेंट्स, इस तरह आपको पिक्चर देखना है और ये वर्ड्स जो आपने फॉर्म किए हैं इसे आपको याद रखना है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.